नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आमतौर पर हम हर वो सवाल उठाने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा होता है, और ऐसा एक सवाल है महिलाओं के उत्थान को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। तो आज इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार संवैधानिक रूप से महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार महिलाओं के पास हैं अगर वो किसी भी मुसीबत में अगर पड़ती हैं या कोई भी अगर उनके अधिकार को हनन अगर होता है तो वो कहाँ जाकर उसके बारे में सवाल उठा सकती हैं और कहाँ पर अपने बेहतर न्याय के लिए हमारे साथ जुड़ सकती हैं। स्क्रीन पर नंबर लगा था, फ्लैश हो रहा है, अगर आप इस बारे में कोई बेहतर जानकारी चाहते हैं या फिर किसी और कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उस बारे में आप सीधा हम तक जुड़ सकते हैं और बेहतर और निशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में आने के लिए। पंकज जी, पहले चर्चा की शुरुआत करें, एक कॉलर हम तक जुड़ गई हैं, सुनीता आगरा से। सुनीता, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सुनीता, आप तक आवाज पहुंच रही हमारी? सुनीता, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको बेहतर सहायता जरूर पहुंचा जाएगी आपके पास कॉल करके। पंकज, अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके अधिकारों को संविधान में किस तरीके से सहेजा गया है, क्या क्या मुख्य अधिकार हैं महिलाओं के जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनके काम आते हैं? जैसा कि अभी आपने शुरुआत में कहा कि नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का विषय एक मुद्दा हमेशा से अपने समाज में चलता रहा है, चाहे आजादी से पहले ले या भारत की स्वतंत्रता के बाद में। संविधान आया हमारा, संविधान में जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, इसमें नारियों के सशक्तिकरण के लिए और नारियों के अधिकार के लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए। जैसे पहले तो मैं लूंगा सीधा सीधा अपना अनुच्छेद 21 को, जिसमें राइट टू लाइफ जिसको हम कहते हैं जी। तो राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि एक आदमी आया जी रहा है ऐसे जी रहा, पर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो डिग्निटी का मतलब है उसको पूरा अधिकार होना चाहिए, समाज में एक न्याय व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए एक समानता का अधिकार होना चाहिए, जो आपका अनुच्छेद 14 भी कहता है कि समानता का अधिकार कानून के समक्ष और समाज के समक्ष जी। तो नारी के लिए समानता हमेशा होना चाहिए। उसी में हम आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 15 और 16 में ये कहा गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अपने वर्क प्लेस पे, जहां पर वो कार्य करती हैं, ना उसके लिए उनको ये नहीं कि वेतन पुरुषों को अधिक दिया जाए और नारी को कम दिया जाए, इस तरह को लेके। और अनुच्छेद 15(3) में साफ साफ कहा गया कि नारियों को वर्क प्लेस में, नारियां जहां काम करती हैं संस्था में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनको पूरा इक्वल अधिकार दिया जाएगा, जो कि पुरुष के साथ समानता का अधिकार दिया जाएगा। फिर हम इसमें आगे बढ़े तो अनुच्छेद 41 और 42 में जी, उसमें ये कहा गया है कि सरकार को एक, जिसको हम डायरेक्टिव पॉलिसी कहते हैं, कि एक संविधान एक डायरेक्शन देता है कि आप नारियों के काम काज को दुरुस्त करने के लिए या उनके वातावरण को अच्छा रखने के लिए संस्था में एक अलग से एक सेक्शन बनाए जिसमें वो अपनी बात कह सकें और अपनी बात रख सकें, उनके साथ कोई हरासमेंट, कोई अनहोनी ना घटित हो जी। फिर आगे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त विनोद कुमार राजस्थान से हमारे दर्शकों से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, ये बताओ ये बैंक वालों के सिस्टम है कि सचिन को डेढ़ बाय गया। विनोद, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंची, अपनी बात आप दोहराएं एक बार। हाँ जी, ये बताओ बैंक वाला पे सचिन को डेढ़ बाय गया जी।
विनोद आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही, दरअसल आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करेगी और आपकी बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। और इस वक्त उड़ीसा से देवराज हमारे दर्शक, देवराज अपनी बात आप रखिए। साहब तक आवाज हमारी पहुंच रही देवराज? हमारा एक जमीन है जी सर, हमारा एक जमीन है, छोटा सा जमीन है, 5 डिसमिल का जी। हमारा 5 डिसमिल का छोटा सा जमीन है जी सर। आपकी बात हम तक पहुंच रही है देवराज, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जमीन में क्या दिक्कत आ रही है आपकी? मगर जी जो टॉपिक पर वापस लौटते हैं, जो हाल ही के दिनों में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अमेंड किया गया था, उसमें तो उसमें क्या क्या बेहतर अमेंडमेंट्स आए हैं, और अगर ऐसा होता है किसी संस्था में कि मैटरनिटी एक्ट को अवेल नहीं कर पाती है महिलाएं, तो उसकी शिकायत वो कहाँ कर सकती है? उसकी शिकायत के लिए वाकई में प्रावधान है, जैसे कि पहले तो हम बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है क्या। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पर सीधा सीधा एक प्रावधान दिया गया कि जब गर्भाधारण होगा किसी भी स्त्री का, तो उस दौरान उसको क्या क्या, उसका जहां वो काम करती हैं वो संस्थान उसको क्या क्या सहूलियतें प्रदान करेगा। पहले तो जो उस पर कहते हैं कि जब वर्क के साथ पे वेजेस का, तो उसको आप काट नहीं सकते। जो समय था 60 दिन का, पहले उसको बढ़ा के 120 दिन किया गया जी। दूसरी चीज, हर संस्थान को अब ये जरूरी कर दिया गया कि एक क्रेच फैसिलिटी जिसमें वो अपने छोटे बच्चों को ला के रख सकें, अगर जिसके पास सहूलियतें नहीं है, घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उसको ला के अपने क्रेच में रख सकें, वो संस्थान के अंदर उसको प्रावधान लगाना पड़ेगा, और उसमें बच्चे को रख सकें, बेटर फीडिंग कर सकें, और बच्चे को सब खेलने कूदने और उसके रख रखाव की हर चीज की अच्छी सहूलियतें प्रदान करनी पड़ेंगी जी। साथ में ही उसके स्त्री की जो उसके यहाँ नारी काम कर रही हैं, उनके भी स्वास्थ्य के प्रति टाइम टू टाइम चेकअप के लिए, टाइम टू टाइम दवाई मुहैया कराने के लिए, और भी जो उसको जरूरत होती है उस दौरान, उसके बच्चों को जरूरत होती है, वो आपको कराना पड़ेगा किसी भी संस्था के लिए। ये मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर अभी अभी ये 2015 में ये सब प्रावधान जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जी। सर अगर किसी संस्था में इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है, तो तब महिलाएं इसके लिए शिकायत कहाँ कर सकते हैं, कैसे अपना हक पा सकती हैं? उसमें आप लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री या किसी संस्थान में हैं तो लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं, या जिला अदालत में भी जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं। और इसके लिए एक सेपरेट विंग भी बनाया गया है जी, हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला वाइज, जिसमें आप जाके नारी अपना या स्त्री अपना शिकायत कर सकती है कि ये संस्था, ये हमारे मालिक लोग, ये सब हमें सब कुछ मुहैया नहीं करा रहे। ठीक है, इस वक्त बिजनौर से शैफाली हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। शैफाली अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? शैफाली अब तक आवाज पहुंच रही हमारी? नमस्कार सर जी। नमस्कार शैफाली, अपनी बात रखिए आप। सर मैं ये कह रही हूँ, ये अखिलेश यादव जी ने जो है ये योजना निकाली थी जी, ये अनुदान जो है, ये जो लड़कियों की शादी के लिए पैसे मिलते हैं जी, तो हमने जो अपनी दीदी की शादी की थी 14 जुलाई की जी, तो ये जो है 14 जुलाई की मैं दीदी की शादी थी जी। शैफाली अपने टीवी की वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज को बेहतर तरीके से सुन पाए। जी अपनी बात रखिए बाप। हमने अपनी दीदी की शादी की थी 14 जुलाई की। हेलो, चलो शैफाली आपकी आवाज बहुत साफ हम तक पहुंच नहीं पाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर जो डाउरी प्रोबेशन एक्ट की अगर बात करते हैं पंकज जी हम लोग, तो डाउरी प्रोबेशन एक्ट में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या हक कानूनी रूप से दिए गए, संवैधानिक रूप से दिए गए महिलाओं? देखिए डाउरी प्रोबेशन लगाया गया कि हमारे कस्टम में या हमारे समाज में एक रीति, कुरीति जिसको मैं कहूंगा, कि एक दहेज लेने की प्रथा है, उस दहेज प्रथा को रोकने के लिए डाउरी प्रोबेशन एक्ट लाया गया। ये सन 1976 में लाया गया संविधान के तहत। इसमें ये कहा गया कि दहेज लेने वाला और दहेज देने वाला दोनों अपराधी समझे जाएंगे, चाहे वो लड़का पक्ष हो चाहे वो लड़की पक्ष हो। अगर वो मांगते हैं दहेज
तो उनको सजा मिलेगी कानूनन तहत। उसका धारा 3 सीधा सीधा ये कहती है कि कोई भी दहेज मांगे या दहेज ले, वो दोनों कानून के तहत अपराधी माने जाएंगे और उनको सजा होगी। चाहे वो लड़की पक्ष अगर अपनी तरफ से दहेज देने की कोशिश करता है, लड़का पक्ष भी उसको अवेल कर सकता, मतलब शिकायत कर सकता है। और जन अमूमन हम देखते हैं कि लड़के पक्ष का ही लोग सब दहेज मांगता है और वो फंसते हैं। और अभी हमने कई पीछे प्रकरण भी देखे जहां पर लड़कियों ने साफ साफ ना कर दिया कि हमें शादी नहीं करनी क्योंकि आप दहेज मांग रहे हैं, हमारे पिता को दबा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन अगर सही कहीं इसका उल्लंघन कहीं सामने अगर आता है, कहीं दहेज अगर मांगा जाता है और उसका फिर प्रूफ क्या होता है, और क्या इसमें जो दहेज मांगता है और जो दहेज देता है उन दोनों के लिए सजा का प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान जैसे मैंने बताया कि दहेज मांगना अपने आप, दहेज मांगना ही अपने आप में एक अपराध है, उसके लिए अपने ही सजा है। जो धारा 3, धारा 4, 5 इन सब चीज़ों में प्रावधान दिया गया है कि मिनिमम 5 साल 3 साल की सजा होगी। जी, और प्रूफ क्या है? अगर लड़की या लड़की का भाग या कोई भी पक्ष अपना एक रिटर्न में कंप्लेंट दे देता है, इतना ही काफी प्रूफ है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगा, वो जांच करेगा अधिकारी, वो तो फिर लंबा चलता ही चलता है। ठीक है, लेकिन सर इसमें क्या प्रॉबिलिटी ये नहीं बनती कि फ्रिवलेस कंप्लेंट भी अगर हो जाती है किसी के खिलाफ, किसी बात को लेकर रिश्ते में बात नहीं बनती है, झूठी शिकायत दर्ज कर दी जाती है, तो उसके लिए फिर रेमेडी क्या रहती है? बिल्कुल, ये अवधारणाएं प्रचलित होती जा रही हैं आनंद जी, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। हम तो इस प्रोफेशन में रहते हुए देख ही रहे हैं कि आए दिन फ्रिवलेस कंप्लेंट्स लॉज होती है और उसमें फिर लड़का पक्ष वाला कुछ परेशान रहता है। आए दिन आप लोग भी न्यूज़ में दिखाते हैं, पर उसका फिर एक ट्रायल चलेगा, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट देखेगी, जाँच करेगी, फिर बताएगी अपना। ठीक है सर, इस वक्त सर मध्य पटना बिहार से जनार्दन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जनार्दन जी अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जनार्दन अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अपनी बात आप रखिए, कैसे सहायता आपकी कर सकते हैं हम लोग? जी हमारा एक भाई है समझे ना, जी दारू बेचने में पकड़ा गया, फंसा दिया गया है। जी उसका कैसे निदान होगा? और 4 साल हो गया अभी तक कोई निदान नहीं होता है, खाली तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो क्या वो भी जेल में है? नहीं, अब जेल से निकला हुआ उसका गरीब आदमी है, ठेला चलता है। जी ठीक है, जनार्दन इसके लिए बेहतर होगा कि इस केस से संबंधित जितने भी कागजात आपके पास हैं वो कागजात आप हम तक भेज दीजिएगा, उनको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में हो पाएंगे कि कोई भी बात आप तक पहुंचा पाते हैं, हम लोग कोई भी सहायता आप तक पहुंचा पाए। लेकिन पंकज जी, स्पीडी ट्रायल का जो कंसेप्ट होता है वो हर एक का हक भी होता है, स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ये आर्टिकल 14 में बताया गया है राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल। जी तो राइट टू स्पीडी ट्रायल के लिए आपको जितना जल्दी से हो सके अपना गवाह पेश करना। कई बार देखते हैं कि वकील लोग भी इसमें देर करते हैं, गवाही नहीं होती, ये चीज़ नहीं होता, कई बार जज छुट्टी पे रहता है, उसके लिए आप बड़ी अदालत में जाकर गुहार लगा सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो उसमें वो बड़ी अदालत सुनेगी, उसको लगेगा तो वो उसमें फैसला देगी और डायरेक्शन देगा। जैसे आए दिन सुप्रीम कोर्ट देते रहते हैं डायरेक्शन की 3 महीने के अंदर ये खत्म करिए, आप इतने साल से 20 साल से मुकदमा चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में आके वो फिर वो करते भी हैं। ठीक है सर, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक और जो बड़ी एक कोड की तरह समाज में चीज़ें हैं वो घरेलू हिंसा है। इसमें कई महिलाएं बहुत बुरी तरीके से उसका शिकार बनती हैं, बहुत बुरी उनकी जो हेल्थ है वो भी ऐसे हो जाती है, मेडिकल कंडीशन बहुत बुरी उनकी हो जाती है। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो पहला कदम कानूनन हिसाब से आप क्या एडवाइस करेंगे, उनका क्या होना चाहिए? देखिए पहला कदम तो वो अपनी नज़दीकी जो पुलिस थाना है उसमें इस चीज़ का इन्फॉर्म करें। आजकल तो आज़ादी के बाद आई इंडियन पेनल कोड में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में एक 498 का प्रोविजन दिया गया है जिसमें आपकी नारी की अगर किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस से लेके शिकायत आती है तो नारी थाने में जाएगी, जिसको हम CAW सेल भी कहते हैं, महिला थाना कहते हैं, फिर उसमें आप शिकायत दर्ज कराएं, वो अपने आप उसको उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती जैसे कि बाकी केस उसमें देखा जाता है, एक फॉर्मल शिकायत जाएगी फिर पुलिस वाला आएगा इंक्वायरी करेगा, इसमें कुछ नहीं है। उसमें नारी थाना, महिला थाना में सीधा सीधा उनके पास पावर है कि वो
विपक्ष को बुला के तुरंत जांच शुरू कर सकता है, उसमें कोई एफआईआर लॉन्च करेगा नहीं, अगर उसको लगेगा तो एफआईआर लॉन्च करेगा, उनको जेल भी भेजेगा। साथ ही अपने संविधान ने एक प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2006 में, उसके बाद उसमें ये कहा गया, सीधा सीधा कहा गया धारा 11-12 में कि कोई भी विवाहित स्त्री को घर से, उसके मैट्रिमोनियल होम या वैवाहिक घर से उसको उसके ससुराल से बाहर नहीं निकाल सकता, उसका समान अधिकार है उस अपने ससुराल में जितना कि उसके पति का है। अगर आप उसको निकालना चाहेंगे तो ये अपने आप में आपराधिक है और आप उसमें जेल जाने के उसमें आ जाएंगे। लेकिन सर हम ये भी देखते हैं चीज़ों के बारे में कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है उसमें कई दफ़ा महिलाओं को जलाने की कोशिश भी की जाती है, और जितने वक्त तक महिला अस्पताल में भर्ती होती है इलाज के लिए, इतने वक्त में केस को मोल्ड करके एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाता है। तो क्या अगर कुछ महीने बाद अगर या कुछ हफ्तों बाद महिला अपनी सामान्य शारीरिक स्थिति में आ पाती हैं तो क्या उस वक्त भी उनके पास ये स्कोप रहता है कि उसके बाद वो शिकायत दर्ज करा सकें? बिल्कुल रहता है। जैसे कि हम जानते हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में या फौजदारी मुकदमे, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं फौजदारी मुकदमा या क्रिमिनल एक्ट, इसमें कोई समय की नियति नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होता, कोई बार नहीं होता। आप 3 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद जब आपको उस कंडीशन में आ जाते हैं कि शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं, करेंगे। उसमें दीवानी की तरह नहीं कि आपको 3 साल की लिमिट है उसके बाद आप मुकदमा नहीं कर सकते, 6 महीने की लिमिट है। जी ठीक है, लेकिन क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर जिस महिला के साथ हिंसात्मक कार्रवाई अगर होती है तो उनके बिहाफ से, और वो इस स्थिति में नहीं है कि शिकायत दर्ज करा सके, तो उनके बिहाफ से उनकी तरफ से उनका कोई और दोस्त रिश्तेदार कोई जानकार कंप्लेंट दर्ज करा सके? बिल्कुल करा सकते हैं। 498 का प्रावधान यही कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रावधान यही कहता है कि कोई भी रिश्तेदार डोमेस्टिक वायलेंस में के उसकी डेफिनेशन में तो ये भी कहा गया है कि अगर पड़ोसी भी देख रहा है कि उस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, अगर वो भी कंप्लेंट कर देगा तो उस पर शिकायत दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। तो कोई भी इस कहने का तात्पर्य है कि कोई भी उसका रिश्तेदार, उसके पिता भाई या कोई भी सगा संबंधी मित्र अगर चाहे तो शिकायत दर्ज करा सकता है, उस पर पूर्ण कार्रवाई होगी। जी लेकिन सर जो अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर देखा जाए चीज़ें तो कई दफ़ा ऐसे सामने आता है कि जो भाई जो आरोपी पक्ष होता है अगर वो दबंग है या फिर रसूख उनका वहाँ पर है तो इन्वेस्टिगेशन को वो लोग मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर कभी पीड़ित पक्ष को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही तरीके से काम नहीं कर रहा या जो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करने या फिर इन्वेस्टिगेशन को फेयर करने की अपील करने का प्रावधान कहीं रहता है? बिल्कुल है। 100 धारा 156(3) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कहता है, धारा 156(3) में आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेन लगाएंगे और उसमें वो पूरा रिकॉर्ड मंगाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाएगा और उसे पूरा रिपोर्ट मांगेगा कि भाई क्या किया और क्यों नहीं किया और किस लिए किया नहीं जा रहा है जी। और उसको रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि ये वाकई में शिकायत सही है तो उस पर आगे कार्रवाई भी होगी और साथ में पुलिस वाला भी दंडित होगा। ठीक है, लेकिन सर एक चीज़ और सामने आती है कि अगर किसी को गिरफ्तार अगर किया जाता है इस मामले में तो मतलब जो दर्शक हमारे हैं वो लगातार सवाल पूछते हैं कि भाई अगर किसी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया जाता है, फिर डॉरी का केस दर्ज कराया जाता है, पूरे परिवार के खिलाफ वो केस दर्ज कराया जाता है, फिर पूरे परिवार को उठा लिया जाता है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसके जो मुख्य आरोपी सिर्फ उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, पूरे परिवार को प्रताड़ित ना किया जाए उस मामले में? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी याचिकाएँ आती रहती हैं इस विषय पर और सुप्रीम कोर्ट में काटजू साहब ने भी एक जजमेंट दिया था और अभी इस फिलहाल भी काफ़ी सब जजमेंट आए, काफ़ी सब फैसले आए जिसमें सीधा सीधा रिस्ट्रिक्ट दिया गया कि हस्बैंड को, पति को छोड़ के किसी भी रिश्तेदार को जब तक के उसको प्राइमे फेसाई उसके खिलाफ दोष साबित ना हो रहा हो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन तब तक आप उसको कभी भी जेल में या हथकड़ी भी नहीं लगा सकते। ठीक है सर, जब गिरफ्तार की बात हम लोग कर रहे हैं तो अगर कोई महिला किसी मामले में अगर आरोपी होती है तो क्या उनको गिरफ्तार करने के भी कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? बिल्कुल अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब भी आप किसी महिला को गिरफ्तार करने जाएंगे तो उसमें प्रावधान है कि हमेशा महिला को गिरफ्तार करते वक्त एक महिला पुलिसकर्मी उस टीम के साथ होना चाहिए और वही सब जाँच करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले, मतलब सूर्य डूलने के बाद और उससे पहले आप किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको जब भी करना बकायदा पूरा वारंट हो और महिला पुलिसकर्मी हो, वही जांच करेगी उसकी और वही लेके जाएगी और उसके कस्टडी में ही रहेगी और फिर विद इन 24 घंटा आपको उसको मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में सर जो अगर एक विकट परिस्थिति हमारे सामने आती है कि अगर शनिवार को गिरफ्तारी अगर होती है तो रविवार को कोर्ट बंद रहता है तो उस वक्त
टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाती है तो उस वक्त फिर कैसी चीज़ नहीं, यही एक प्रावधान हमारे समाज में नहीं पता लोगों को जी। कि ये स्पेशल आप अगर लगता है कोई स्पेशल केस है हाँ। जो कि पुलिस में नहीं, पुलिस भी आपको नहीं बताती अवगत कराते तो उसमें लगता है स्पेशल केस है तो आप अर्जी लगा के जो वहाँ का कंसर्न मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर आप जाएंगे, आप अपना याचिका करेंगे और वो पूरा कार्रवाई करेगा, चाहे वो इतवार हो चाहे शनिवार हो चाहे दिन हो या रात हो। जैसे कि आपने अभी यकूब मेनन वाले केस में सुना होगा, दीपक मिश्रा साहब ने रात को पिटीशन सुना था 2 बजे, तो ये प्रावधान भी है। ठीक है, एप्लीकेशन के जरिए सुनवाई आप अपनी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर कई दफा हम ये देखते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की संलिप्त की जो भूमिका है उसको बहुत सही नहीं पाते हैं हम लोग। हमने अगर कहीं और ट्रायल के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है और कहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भूमिका वहाँ पर संदिग्ध होती है अगर, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान रहता है? मैंने बताया सेक्शन 156(3) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का यही कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर होता है, वो सब डॉक्यूमेंट अपने पास मंगा लेंगे, इस कंप्लेंट का रहेगा कॉपी, उसके बाद ऑर्डर करेंगे। अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल ठीक नहीं है तो उसको भी, वो भी सजा का हकदार होगा, उसको भी सजा मिलेगा। ठीक है, और जो सर आपने बताया था कि भाई 24 महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद उनको रखा जाता है 24 घंटे के भीतर भीतर उनको पेश करना होता है, अगर उन 24 घंटे में कुछ अनहोनी होती है या फिर उनको इंटरोगेट करने की कोशिश की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में फिर कैसी चीज़ें सही हो पाती हैं? उसमें जब भी आपको पेश करें, जब भी किसी महिला को पेश किया जाएगा तो उसके पास पूरा राइट है कि वो मजिस्ट्रेट सामने, मजिस्ट्रेट आपके सामने बोल सके, अपने पक्ष रख सके, बता सके मेरे साथ ये जाती किया है, मेरा ये मेडिकल चेकअप नहीं कराया, ये सब कुछ नहीं कराया, और उनके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर इंसाइट्स इस पूरे मामले में देने के लिए। इंडिया लीगल असिस्टेंस फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति तक सही समय पर उचित न्याय पहुंचे। उसके लिए अगर आपको कहीं दुविधा सामने आती है तो उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी हर संभव बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।